हे गाइस, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू लर्न लाइवली। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ मटर मशरूम की रेसिपी, जो कि होटल और रेस्टोरेंट में मिलती है ना, एकदम उस तरह की। तो फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मशरूम लिया है, जिसको मैं चौकोर कट कर रही हूँ। एक मशरूम के 4 टुकड़े मैंने किए हैं। तो अब सबसे पहले हम कढ़ाई में लेंगे तेल। 1 चम्मच तक तेल मैं ले रही हूँ। तेल को हमें अच्छे से गर्म करना है और उसके बाद ये कटे हुए मशरूम को हम इसमें फ्राई कर लेंगे। तो आपको इसको 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। यहाँ पर मशरूम को मैंने धोकर अच्छे से पोंछकर तब उसको कट किया था। आप चाहें तो कट करके उसको हल्के से गुनगुने पानी में भी धो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मशरूम फ्राई हो गए। अब हमें इनको निकाल लेना है और इसी कढ़ाई में हम डालेंगे फिर से ऑयल। तो यहाँ पे करीब 1 से 2 बड़े चम्मच तक आप ऑयल ले लें। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 प्याज, मीडियम साइज़ की प्याज है, जिनको मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा ही कट किया है। 4-5 हरी मिर्च लेनी है आपको अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी अदरक और 7-8 लहसुन की कलियाँ। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 टमाटर, मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, आप 4 से 5 ले सकते हैं। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे 2 मिनट तक हम प्याज को हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। आपको ज़्यादा प्याज को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 मिनट तक प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। गैस की फ्लेम को हम लो करेंगे और इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, और इसको भी हम फ्राई करेंगे 1 मिनट तक हाई या मीडियम फ्लेम पर। 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, और टमाटर ऐड करने के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, तभी हम इसकी अच्छी सी ग्रेवी बनाएंगे, जिससे कि बहुत ही स्मूथ ग्रेवी बनेगी, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, एकदम रेस्टोरेंट वाली। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अच्छे से टमाटर गल गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे, इसको ठंडा कर लेंगे। अच्छे से ठंडा होने के बाद हम इसको पीस लेंगे एकदम बारीक पेस्ट की तरह। आप इसको पंखे के नीचे रख के भी जल्दी से ठंडा कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ठंडा होने के बाद इसको अच्छे से पीस लिया है। इसका टेक्सचर देखिए आप, कितना क्रीमी, कितना स्मूथ है। जो रेस्टोरेंट में आप ग्रेवी देखते हैं, उसका यही राज होता है, वो इसी मेथड को फॉलो करके बनाते हैं, जिससे उनकी ग्रेवी जो है वो काफ़ी थिक बनती है, टेस्टी होती है, उसका टेक्सचर क्रीमी होता है। तो अब इसी कढ़ाई में हमें लेना है ऑयल। तो 1 से 2 चम्मच तक ऑयल आप ले लें। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पे खड़े मसाले में मैंने लिया है 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी वाली इलायची, थोड़ी सी जावित्री, थोड़ी सी दालचीनी और 1 छोटा चम्मच जीरा। अब हम इसको तेल में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो करके आप ये मसालों को डालें और लो फ्लेम पर आप इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें, करीब 1 मिनट तक। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पेस्ट बना कर रखा है, इसको साथ में लास्ट में आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसमें जो भी मसाला है उसको यूज़ में ले लें। और अब हम इसे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। और इसको भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मसाले साधारण से हम इस्तेमाल करेंगे, जो हम सभी के घर में आसानी से मिल जाते हैं। तो मसाले में मैं ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच सब्जी मसाला, या फिर आप धनिया मसाला का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जो हम डेली अपनी सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, और इसी में मैंने 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को मिलाया है। साथ में हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हमने पहले भी डाला था, तो आप इस बात का ध्यान दें और उसी के अकॉर्डिंग आप नमक इसमें इस्तेमाल करें। अब सभी मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके हम इसको 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। बीच में आप इसको एक बार स्टर कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद कवर को ओपन करना है, अच्छे से मसाले को मिक्स करना है। गैस की फ्लेम को आपको अभी लो रखना है और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ताजे दही के। आप खट्टी दही का इस्तेमाल ना करें, यहाँ पर ताजे दही का इस्तेमाल करें। तो अब हम दही को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 बड़ा कप ताजे हरे मटर का। आप यहाँ पे फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्रोज़न मटर ले रहे हैं तो आप इस वक्त इसमें मशरूम ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए। तो आइए कवर को ओपन करते हैं। कवर ओपन करने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि तेल अच्छे से ऊपर दिख रहा है, मसाला भी काफ़ी बढ़िया पक चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। यहाँ पे मैं 1 बड़ा कप पानी ऐड कर रही हूँ। आप पानी अपने ग्रेवी जैसी आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको फिर से कवर कर देंगे पूरे 10 मिनट के लिए, ताकि मटर जो है वो अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाए, पक जाए।
बीच में आप इसको एक दो बार स्टर कर सकते हैं और गैस की फ्लेम को आप लो से थोड़ा सा ज़्यादा और मीडियम से थोड़ा सा कम करें। तो 10 मिनट के बाद हम अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे और इसमें जो हमने मशरूम को फ्राई करके रखा था उसको ऐड कर देंगे। अच्छे से मशरूम को ग्रेवी में मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पानी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ग्रेवी थोड़ी पतली चाहिए हो तो। और फिर से हम इसको कवर कर देंगे पूरे 5 से 7 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को आपको लो रखना है, लो फ्लेम पर अच्छे से इसे 5-7 मिनट तक पकने दीजिए। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी रेस्टोरेंट होटल वाली बढ़िया मशरूम मटर बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आया है, एकदम होटल वाली आपको ये ग्रेवी लग रही होगी अभी। तो वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको जल्द मिलती हूँ एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन ईट हैप्पी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों आइए मैं आपको फटाफट से इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया इसका ग्रेवी बना है। आप इसको रोटी, राइस, पूरी, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगी ये खाने में।